क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण सारा का सारा फ्री चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी टोटल फ्री चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन के। यहाँ पर n जो है ये एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब ये प्लस माइनस वन या प्लस माइनस टू या प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन हो सकता है। अगर किसी बॉडी पर n1 इलेक्ट्रॉन और n2 प्रोटॉन हो तो टोटल चार्ज उस बॉडी के ऊपर होगा Q इक्वल टू एन टू ई प्लस एन वन ई। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव ई होता है इसलिए नेगेटिव ई। तो टोटल चार्ज हुआ उस बॉडी के ऊपर एन टू माइनस एन वन ई। फ्री चार्ज की पॉसिबल वैल्यूज जो हो सकती है वो होगी क्यू इक्वल टू प्लस माइनस वन ई, वन इंटीजर है। अब ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यानी जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम या फ्री चार्ज हो सकता है प्लस माइनस 2e। e की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो टोटल फ्री चार्ज हुआ प्लस माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, या फ्री चार्ज होगा प्लस माइनस 3e, यानी 4 प्लस माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये पॉसिबल वैल्यू है फ्री चार्ज की, इनके बीच की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि यही वैल्यू हो सकती हैं फ्री चार्ज की, इनके बीच की कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कारण क्या है अब ये देखते हैं हम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कारण ये है कि केवल इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर्ड हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो बॉडी है, एक ए बॉडी और एक बी बॉडी, तो ए बॉडी से बी बॉडी के ऊपर केवल इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, डेढ़ नहीं हो सकता, ढाई नहीं हो सकता, साढ़े तीन तो नहीं हो सकता, साढ़े चार तो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो पूरा का पूरा होगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या तो दो होगा, या तो तीन होगा, या तो चार होगा, या पाँच होगा। और इसी वजह से जो फ्री चार्ज होता है वो प्लस माइनस वन ई या प्लस माइनस टू ई या प्लस माइनस थ्री ई होगा।